हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 7, आवर फॉरेस्ट वेल्थ. एंड इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोटेक्टेड एरिया. प्रोटेक्टेड एरिया मीन्स द एरिया विच इज़ प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. सो इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट, व्हेन पीपल आर प्रोहिबिटेड मीन्स उनको वहाँ जाने से मना है, कुछ चीज़ करने से मना है. सो प्रोहिबिटेड, पीपल आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, फ्रॉम ग्रेजिंग ऑफ एनिमल एंड फ्रॉम हंटिंग ऑफ एनिमल्स. सच फॉरेस्ट एरिया आर कॉल्ड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज. एग्जाम्पल, रिजर्व फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. सो ऐसे एरियाज जो गवर्नमेंट के द्वारा, जहाँ पर आपको एनिमल्स की ग्रेजिंग कराना और वहाँ पर हंटिंग करना, एनिमल्स की हंटिंग करना, पेड़ों को काटना, कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज, ये सब मना है. ये सारे एरियाज क्या कहलाते हैं? प्रोटेक्टेड एरियाज कहलाते हैं. या हियर प्लांट्स एंड एनिमल्स आर अलाउड टू लिव इन देयर नेचुरल सराउंडिंग्स. प्लांट और एनिमल्स को यहाँ पर कैसा सराउंडिंग मिलती है? नेचुरल सराउंडिंग मिलती है, यानी वो प्रोटेक्टेड रह सकते हैं वहाँ पर बिना किसी डर के, बिना किसी फियर के ह्यूमन बीइंग की. सो चिल्ड्रन, प्रोटेक्टेड एरियाज, आई होप यू अंडरस्टूड. नाउ द लास्ट पार्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक. इट इज़ द स्टोरी ऑफ चिपको मूवमेंट. ये क्या है, किसकी स्टोरी है? चिपको मूवमेंट की स्टोरी है. चिपको मूवमेंट जो कब हुआ था? इन द ईयर 1973, विलेजर्स इन द अलकनंदा वैली इन उत्तराखंड. अलकनंदा वैली जो कि उत्तराखंड में है, वहाँ पर लोगों ने क्या किया? पेड़ों की कटाई के लिए प्रोटेस्ट किया. जो वहाँ पर जमीन, जो कटिंग का कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वो लोग वहाँ पे पेड़ काट रहे थे. तो पीपल वर अपोजिशन ऑफ दैट एंड दे प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज इन दैट एरियाज. वो क्यों अपोज कर रहे थे? पेड़ों की कटाई के लिए अपोज कर रहे थे. इसलिए उन्होंने क्या किया, पेड़ को वहाँ के गांव के लोग क्या किए, हक कर कर एकदम उससे चिपक के सट के खड़े हो गए, जैसा कि पिक्चर में आप देख पा रहे हो. और जब कॉन्ट्रैक्टर्स आए तो वो उनको काटने नहीं दिए. सो दिस मूवमेंट इज़ बिकम वेरी पॉपुलर. और इस मूवमेंट का नाम क्या हुआ? चिपको मूवमेंट हुआ. और सम ऑफ द फेमस लीडर ऑफ चिपको मूवमेंट्स, जो इस मूवमेंट के कुछ फेमस लीडर्स हैं, वो कौन है? सुंदरलाल भोगना, गौरा देवी एंड सुदेशा देवी एंड चांदी प्रसाद भट्ट. ये जो लोग हैं, इनके कारण उस एरिया के फॉरेस्ट सेव हो पाए. सो दिस इज़ द स्टोरी ऑफ चिपको मूवमेंट, वेयर पीपल हग द ट्रीज एंड रिफ्यूज टू लेट गो टिल द ट्री कटर्स लेफ्ट. यानी जब तक वो लोग वो पेड़ काटने जो लोग आए थे, वो लोग वहाँ से गए नहीं, वो लोग उस पेड़ों को चिपके रहे. सो दैट्स वाई दिस मूवमेंट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट. सो आई होप चिल्ड्रन यू विल अंडरस्टूड दिस पार्ट वेरी वेल. इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन, डाउट, डू कॉन्टैक्ट. थैंक यू.